नमस्कार, मैं शशांक शेखर। नमस्कार, मैं नरेश मसाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, आम चुनाव, लोकसभा की हम बात करें वो सर पर है और उसकी घोषणा काफ़ी पहले हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहला चरण होगा और 1 जून को सातवां यानी अंतिम चरण का चुनाव होगा। आज हम बात करेंगे जमशेदपुर लोकसभा सीट की, जहाँ पे चुनाव 25 मई को होने जा रहा है। इसके साथ साथ जमशेदपुर के अलावे रांची, धनबाद और गिरिडीह लोकसभा सीटों का चुनाव भी उसी दिन होना है। तो आज हम थोड़ी बातें करेंगे, इतिहास में थोड़ा झांकेंगे कि जमशेदपुर लोकसभा सीट की स्थापना, मतलब कब से यहाँ शुरुआत हुआ मतदान का, और यहाँ कौन कौन लोगों ने, नेताओं ने और उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, और अब तक की क्या हालत है, और यहाँ पे कितने वोटर हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सब के बारे में बताएंगे। तो नरेश जी, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। दोस्तों, थोड़ा हम लोग चलें जमशेदपुर लोकसभा के इतिहास की ओर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में पहला लोकसभा इलेक्शन 1951 के लास्ट में और 52 के शुरुआती वर्ष के महीनों में हुआ, लेकिन जमशेदपुर लोकसभा का चुनाव जो 1957 में हुआ, और हम उस समय सभी का रिकॉर्ड अगर देखते जाएं कौन कौन पार्टियों ने यहाँ पर कब्जा जमाया, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले 1957 में जो यहाँ से जीत करके संसद पहुँचे थे वो थे कांग्रेस के महेंद्र कुमार घोष। उसके बाद फिर मजदूरों का लीडर 1962 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उदय शंकर मिश्र जी जीत करके संसद पहुँचे। 1967 में कांग्रेस के ही SC प्रसाद और 1971 में सरदार स्वर्ण सिंह सोखी यहाँ से सांसद चुने गए। इसके बाद चलते हैं 1977 और 1980 में जनता पार्टी एक लहर आया था, जनता पार्टी के रुद्र प्रताप सारंगी यहाँ से दो बार सांसद बने। 1984 में मशहूर मजदूर नेता गोपेश्वर कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से जीत हासिल की। वहीं 1989 और 91 की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के शैलेंद्र महतो ने इस सीट पर परचम लहराया। वहीं 1996 में BR चोपड़ा के महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले कलाकार नीतीश भारद्वाज जी भाजपा के टिकट पर मैदान में हुए और उतरे और जीत हासिल की। उसके बाद भाजपा के ही शैलेंद्र महतो की पत्नी आभा महतो विजयी रही 1998-99 में। हालांकि 2004 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुनील महतो और 2007 के उपचुनाव में सुमन महतो यहाँ से सांसद चुनी गई। उसके बाद 2009 में BJP के अर्जुन मुंडा यहाँ से सांसद चुने गए। 2011 में जो उपचुनाव हुए उसमें झारखंड विकास मोर्चा के अजय कुमार ने इस सीट पर कब्जा जमाया। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में यहाँ से BJP के वर्तमान जो सांसद है विद्युत वरण महतो लगातार दो बार सांसद चुने गए। अब ये देखना है कि वो हैट्रिक लगाते हैं कि नहीं। यहाँ पर 17 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, इसमें पुरुषों की संख्या 8 लाख 30 हज़ार से ज़्यादा है, जबकि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है यानी 8,72,918 के करीब है। कुछ थर्ड जेंडर हैं जिसकी संख्या 56 है। 2019 में जो मतदान हुए थे उसमें 67.18% मतदान हुआ, और जैसे कि आपको बताएं कि यहाँ पर विद्युत वरण महतो विजय हुए BJP के। जमशेदपुर का जो लोकसभा इलेक्शन होता है और जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो परिदृश्य हमको अलग देखने को मिलता है। तो 2019 में जैसे कि लोकसभा चुनाव में BJP के सांसद चुने गए वहीं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि उसके बाद जो यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुए तो अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ मुझे जैसा लगता है नरेश जी की मुद्दे अलग होते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों की बात है अगर हम संसदीय सीट की अगर बात करें, और जब विधानसभा में आते हैं तो वहाँ मुद्दे अलग हो जाते हैं, लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग हो जाती है। यहाँ पर मिस करते हैं जो उम्मीदवार हैं, उनको लगता है कि यही एक मुद्दा है जिस पर हम फतेह हासिल करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर नज़ारे अलग हैं। एक तरफ देखते हैं लोकसभा सीट पर BJP काबिज़ है, लेकिन तमाम जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर गैर BJP, यानी कि ज़्यादातर 6 विधानसभा है। हाँ, तो 6 में 4 में तो JMM है। हाँ, और 1 में कांग्रेस है और 1 में सरयू राय जी हैं जो उनकी नई पार्टी उन्होंने बनाई थी BJP से अलग होकर, तो अलग हैं इसलिए कि जन मुद्दे जो हैं और स्थानीय मुद्दे हैं
वो यहाँ पर अक्सर हमने गौण होते हुए देखा है। हाँ, ये तो बहुत मैंने गंभीर विषय है जी, क्योंकि स्थानीय मुद्दे कुछ ऐसे हैं जिसे लोगों को सोचने चाहिए कि हम आगे उस ओर कैसे बढ़ें और मतदाताओं का रुझान उधर कैसे बढ़ें। थोड़ा सी जानकारी दें कि आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हुआ था पिछले बार, तो रघुवर दास यहाँ से चुने गए थे जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से और मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन ताज्जुब की बात है कि पिछले विधानसभा में रघुवर दास हार गए, सरजू राय ने उन्हें पराजित किया। और एक देखिए वहाँ पर किस तरह से एक ट्विस्ट वहाँ पे बना। हाँ। ये कि वो सरयू राय लगातार पश्चिमी जमशेदपुर से लड़ा करते थे, वो चले गए, रघुवर दास जहाँ लड़ते हैं वहाँ पूर्वी में, और वहाँ उन्होंने जीत हासिल की और इधर बन्ना गुप्ता जीत गए। तो इस तरह से कुछ अलग तरीके का जो है विधानसभा में जीत हासिल हुई गैर भाजपाई जो दल है उनको, और इसीलिए वहाँ पे सरकार भी राज्य के अंदर में बनी गठबंधन की। अच्छा, देखिए शशांक जी कि जो यहाँ 6 विधानसभा है इसमें 4 में तो JMM के कैंडिडेट जीते, जैसे जुगसराय से मंगल कलांदी हैं, पोटका से संजीव सरदार हैं, घाटशिला से रामदास सोरेन हैं, बारागुरा से समीर कुमार मोहंती हैं, जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस के एक विधायक हैं जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, और पूर्वी में जैसे मैंने कहा कि सरयू राय हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा कैसे हो जा रहा है? इससे वही जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो जनहित से जुड़े, जो सरोकार से जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर फोकस नहीं होता है। हम अलग एक ही मुद्दे को रट लगा के अब राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं, जब से NDA की गवर्नमेंट है तब से मुद्दे जो है ना वो भटक गए कहीं, वो सिर्फ संप्रदायवाद मतलब धर्म की राजनीति जो हो रही है हावी होती जा रही है, और जिसका हम लोग परिदृश्य देश के अंदर देख भी रहे हैं और उसकी आलोचना समालोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है, वो यहाँ नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की भी इवन बात करें, तो यहाँ जो जमशेदपुर चूँकि टाटा कंपनी के इर्द गिर्द है, लोकसभा सीट की अगर बात करें, कुछ ग्रामीण इलाके हैं, मैक्सिमम अगर करें आबादी ग्रामीण इलाकों की तो बाड़ागोड़ा पोटका है, घाटशिला है, और जो घाटशिला अनुमंडल की बात करें तो, और बोड़ाम पटमदा है, लेकिन जमशेदपुर का जो सिटी है वहाँ सिमटे हुए जो शहरी लोग हैं, तो शहरी लोगों के मुद्दे अलग हैं, ग्रामीण लोगों के मुद्दे अलग हैं, ग्रामीणों के कृषि पर आधारित हैं, उनके जो ग्रामीण विकास पर आधारित है मुद्दे हैं, तो लोग पर ज़्यादा ध्यान देते जी हैं। तो लोकसभा सीट से जो विद्युत भरण महतो जीत कर आए हैं, ये आम तौर पे कहा भी गया था पिछले चुनाव की अगर बात करें तो मोदी लहर में उन्होंने जीत हासिल की है। नहीं, इस बार भी तो लोग बोल रहे हैं आपके बार 400 के पार, क्या लगता है? ये तो एक जिस तरह से जुमला चलता आया है, ये भी एक जुमला ही इसको मानता हूँ, और इस तरीके से कोई राजनीति की अगर बात करें, स्वस्थ राजनीति की बात इससे नहीं होती है। अगर विकास की बात करें ना, विकास अगर आप कर रहे हो जमीनी स्तर पर दिखता हो आपको, ज़्यादा इसको लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनता आपको वोट देगी, स्वतः ही वोट देगी, स्वतः स्फूर्त आपकी जीत भी हासिल होगी इस बार। लेकिन विद्युत भरण महतो के लिए बड़ी चुनौती है, आसानी से वो जीत हासिल नहीं होने वाली है जैसा मुझे लग रहा है। इन लोगों ने कुछ मुद्दा बनाया है खासकर पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर के, जैसे इनको पूरा विश्वास है राम मंदिर के सहारे है ना 400 हम पार करेंगे। उसी तरह कुछ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं, उसके पहले जो है धारा 370, जितना ये सारे मुद्दे देखिएगा। लेकिन युवाओं का रोजगार का सवाल है गायब है, महंगाई का सवाल है गायब है, औरतों की सुरक्षा की सवाल है वो गायब है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जन मुद्दे हैं जो गायब हो जाते हैं। लेकिन इस तरह का जो मुद्दा होता है एक ध्रुवीकरण जो कि स्वच्छ राजनीति को बर्बाद करने की ओर ये देश जा रहा है, जिसके कारण अब हम देख रहे हैं कि भारत के अंदरूनी जो राजनीति है उस पर विदेशों में भी चर्चा होने लगी है। ये दो ही मुद्दे जो अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, केजरीवाल का और कांग्रेस का जो हुआ है, आयकर विभाग का जो मामला है खाता फ्रीज करने की बात, तो एन वक्त जब अधिसूचना जारी होने के बाद भी ED सक्रिय है, ये कैसे होता है? इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था नहीं जाना था कि जब अधिसूचना जारी हो चुकी आपका आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद भी अगर ED सक्रिय राजनीतिक दलों पर खास करके विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कार्रवाई करना, और ये आप देख ही रहे हैं उसका उल्टा नतीजा सामने आ सकता है। जैसा मेरा आकलन है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को आयकर शराब आबकारी मामले में आपने डाला हुआ है अंदर में, और अंदर से वो शासन चला रहे हैं,
ये पहले कभी देखा था कि आपने? मैंने तो नहीं देखा था, और उसका लगता है फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा। अच्छा, ये देखिए कि जो आप जो पार्टी हैं उनके 4 या 5 जो है वरिष्ठ नेता को जेल में डाला गया हुआ है, जिसमें कोई आरोप अभी तक जो है सिद्ध नहीं हुआ जी। सिर्फ प्रिडिक्शन के आधार पर, मैंने एक यहाँ कि इसने किया था, उसने वो कहा था, ताज्जुब की बात कि जिस कोई आरोप लगा देने से कोई भी दोषी सिद्ध नहीं होता है। उस आधार पर अगर आप किसी को अरेस्ट भी करते हैं तो आपको तुरंत जमानत दे देना चाहिए, लेकिन ईडी का कुछ ऐसा रूल है जो कि जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। आज किसी तरह से जो है संजय सिंह को जमानत मिली है, आने वाले दिनों में देखना कि क्या है ये जमानत बाकी लोगों को मिलेगा। हमारे राज्य में हेमंत सोरेन को परेशान किया गया, हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही कि क्या कब उन्हें छोड़ा जाएगा, बेल कब होगा। अब चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां हैं यहां पर गठबंधन की, अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस हो, जेएमएम है, आरजेडी है, तो ये क्या चुनाव को लेकर अभी खुद तैयारियां कर रहे हैं? अब उधर उनका कोई फोकस नहीं है, वो कहते हैं कि कानून को अपना काम करने दें हम, लेकिन उधर उल्टा हो रहा है। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद का विरोध पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने किया, वो अलग मामला है। हम थोड़ा सा फोकस भी जमशेदपुर पर ही करते हैं कि जमशेदपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है ये मिला जुला है, एक तरफ टाटा का प्रभाव क्षेत्र, टाटा का पोषक क्षेत्र, और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र जहाँ के वोटर उन लोगों की प्राथमिकता कुछ अलग है, और उन चीज़ों को अगर बैलेंस करते हैं हमारे जो सिटिंग एमपी हैं विद्युत वर्ण महतो, बैलेंस कर पाते हैं तो शायद जीत दोबारा हासिल होगी, यानी कि तीसरी बार वो बन सकते हैं। लेकिन रिकॉर्ड होगा, हाँ, लेकिन अब साफ नहीं है कि कांग्रेस या जेएमएम से यहाँ कोई उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनके प्रोटेस्ट में, उनके विरोध में। अब ये देखने वाली बात होगी कि छवि कौन सी होगी और वो क्या वो टक्कर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। हाँ, एक बात खबर जो चारों तरफ फैल रही है कि विद्युत वरण महतो का अपने ही लोगों से काफी खतरा है। हाँ, ये बात तो काफी उसका विरोध कर रहे हैं, गांव में भी कुछ जगह पोस्टर लगाया गया है विद्युत वरण नहीं चाहिए इस तरह का। तो अगर हारते हैं विद्युत वरण तो अपने ही आदमियों के धोखेबाजी से हारेंगे। ये असंतोष का वातावरण तो जरूर देखने को मिला। ऐसा है शशांक जी, कोई भी किसी भी पार्टी में अगर कोई 2 बार 3 बार उसको मौका मिल गया, ऑलरेडी वो एमपी रहे हैं, तो किसी तीसरे को मौका मिलना चाहिए। बार बार किसी एक को मौका देने से जरूरी है क्या असंतोष फैलेगा ही। देखिए, बदलाव ही लोकतंत्र का जो मूल स्वरूप है वो बता रहे हैं। और बदलाव नहीं होता तो वो डिक्टेटरशिप आती है, जैसा कि हम केंद्र में देख रहे हैं, दूसरी बार हुई, तीसरी बार भी अगर आप चुन के लाते हो, बदलाव होती है तो स्वस्थ राजनीति आती है, सत्ता पर भी वो सही तरीके से वो शासन चला सकते हैं। यहाँ तो दमनकारी नीति चल रही है, तो ये होता है कि अपने आप में वो घमंड से चूर हो जाती है सरकारें। जब भी अब इमरजेंसी की बात आप उठा लीजिए ना, इंदिरा गांधी के शासनकाल में तो वो भी दौर एक था, और आज भी एक दौर हम देख रहे हैं। दोनों में हालांकि बहुत फर्क है, परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन आज की तारीख में वही है। आप दक्षिण के राज्यों में जाके देख लीजिए, वहां पर हर बार सत्ता का परिवर्तन होना ही होना है, मिलता है, इसलिए वहां लोकतंत्र स्वस्थ है। और यहां पर अगर हम देखें एक ही व्यक्ति लगातार बनता जा रहा, तो वो जरूर है कि उसके अंदर में घमंड आ जाएगा और वो सोचेगा हमें कोई हरा नहीं सकता, और तब वो मनमानी तरीके से काम करता है, तानाशाही की ओर बढ़ता है। तो यहां हम नहीं बोलेंगे, ये तो जनता बोलेगी, यहां के मतदाता बोलेंगे कि इस बार कौन जीत का परचम लहरा रहा है जमशेदपुर लोकसभा सीट पर। झारखंड सरकार ने जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन की घोषणा की है जी, और जो है इंडस्ट्रियल टाउन में क्या लोगों को ये मिलेगा, फैसिलिटी क्या मिलेगी, अलग बात है। लेकिन जो पहले भी जो कि सुप्रीम कोर्ट तक केस गया है कि जमशेदपुर के लोगों को तीसरे मतों के अधिकार से वंचित रखा गया जी, है ना, वो मतदान नहीं करते हैं, नगर निगम कोई है नहीं, नगर परिषद कोई है नहीं, तो एक मत जो है उनसे छीना गया है। तो लोगों को सोचना है कि उस पर क्या करना है, इस पर मैंने आपके क्या राय है? ये मेरी अगर राय पूछते हैं तो मैं भी इसके खिलाफ हूँ। इस तरह मताधिकार से, जो तीसरे मताधिकार से जनता को वंचित करना कतई उचित नहीं है। हमको लगता है कि यहाँ पर नगर निगम की स्थापना होनी चाहिए इंडस्ट्रियल टाउनशिप को हटाकर। ये सरकार ने तय की और इसको फिर मुहर लगा दी गई थी, इसका विरोध भी हुआ और लगातार विरोध अभी भी जारी है। हालांकि ये चुनाव का समय है, आगे फिर देखते हैं कि इसका विरोध कितना प्रखर होता है, लेकिन ये एक मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर भी प्रत्याशी आगे आ सकते हैं। हो सकता है जनता की तरफ से इसका अच्छा रिस्पॉन्स आए। कमेंट्स में जरूर बताएं कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप आप यहाँ के लोग चाहते हैं या
नगर निगम चाहते हैं, इस पर हम आपकी राय मांग चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं, जैसा यहाँ पर बड़े कोई शैक्षणिक संस्थानों का अभाव है जमशेदपुर की अगर बात करें तो, और इसलिए यहाँ के जो प्रतिभावान जो स्टूडेंट हैं वो उनको बाहर जाना पड़ता है आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो ये एक मुद्दा है। बहुत दुखद बात है। जैसे दोस्तों इस बात को समझने और सोचने की ज़रूरत है कि जमशेदपुर जो है एक इंडस्ट्रियल टाउन ही नहीं, इसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है। यानी यहाँ हर एक धर्म के लोग, संस्कृति कल्चर के लोग रहते हैं और अपने आप में मिनी मुंबई से सही में या मिनी इंडिया से कम नहीं है। कम नहीं है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि 10+2 के बाद कोई भी ऐसी उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो, फेमस हो। नतीजा क्या होता है कि यहाँ के विद्यार्थी जो है कभी कोटा चले जाते हैं, कभी साउथ की ओर ज़्यादा जाते हैं, बेंगलोर ज़्यादा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। यानी यहाँ इतना बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन होने के कारण एक भी यूनिवर्सिटी आपको जो है पढ़ने लायक यहाँ नहीं है। जो भी यूनिवर्सिटी एकदम ख़त्म है, शिक्षकों की कमी है, हर एकदम ने जिस जगह के समाज को अगर बर्बाद करना है तो वहाँ के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दो, वो समाज ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। यही कंडीशन यहाँ पर है। ये देखने की बात है कि शिक्षण संस्थान यहाँ कैसे मजबूत होंगे। ऐसे तो आप जान रहे हैं शशांक जी कि पूरे देश में जो है सरकारी शिक्षा को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, प्राइवेट क्षेत्रों में जो है शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन दिल्ली कुछ अपवाद है कि दिल्ली में जो केजरीवाल ने जो है बहुत अच्छा शिक्षण संस्थान बनाए और सरकारी जो कि प्राइवेट सेक्टर को टक्कर दिया, लेकिन वो केंद्र सरकार को रास नहीं आ रही है। यहाँ हेमंत सरकार की भी अगर बात करें जो अपने स्तर पे भरसक कोशिश कर भी रही थी, कर भी रही है, लेकिन ऐन वक्त में चुनाव से थोड़ी कुछ महीने पहले चंपई सोरेन को मजबूरन यहाँ पे गद्दी पे संभालनी पड़ी। तो ये सब कुछ जो दृश्य दिख रहे हैं इसका हमको दूरगामी परिणाम नज़र आता है। चलिए जो भी होगा, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, आप भी तैयार रहिए और एक बात, चुनाव में ज़रूर शामिल हों, मतदान ज़रूर अपना करें। हाँ, लेकिन धर्म और जाति के बंधन को तोड़कर आपको वोट डालना है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बना रहे, सभी को एक बराबर का हक अधिकार मिले, किसी एक पार्टी का छत्र छाया ना रहे, इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। और एक बात हमेशा देखा बोली जाती है कि जो भी होता है, खास करके हम ट्राइबल एरियाज़ की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जहां पर लालच देकर मत खरीदे जाते हैं, उस झांसे में जरूर आप कतई ना आए, क्योंकि 5 साल का मामला होता है, 5 साल की किस्मत उनके हाथ में आप दे रहे हो, तो किसी भी लालच में ना आए। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लालच को परे रखकर आप मतदान करें। बस यही आज की इस एपिसोड में हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बातों का ध्यान रख करके और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और नए नए मुद्दों को हम तक पहुंचाएं, ताकि आपके ही माध्यम से फिर हम जनता तक उन मुद्दों को पहुंचा सके और आगे भी इस तरह से समीक्षात्मक कार्यक्रम हम चुनाव को लेकर लाते रहेंगे आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।